हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानें मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बड़े महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जान लेते हैं। कुछ कांग्रेस के लिए अपडेट हैं और कुछ बीजेपी के लिए अपडेट हैं। वहीं पर हम छत्तीसगढ़ में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी फ़िलहाल में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने गरीबों के लिए बनाई गई दाल भात योजना को बंद कर दिया है। इस प्रकार से यह जो योजना है अब चुनावी मुद्दा बन सकती है, तो जान लेते हैं बहुत बड़े अपडेट, क्योंकि राजनीति या लोकसभा चुनाव के लिए यह मुद्दे बहुत अहम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके काम की खबर। यदि आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरू करते हैं खबर विस्तार से। उमा भारती दिग्विजय सिंह के सहारे फिर सीएम हाउस तक पहुंचने की तैयारी में है। उमा भारती जी 2003 में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता थी, लेकिन किसी कारणवश वह प्रदेश की राजनीति से बेदखल कर दी गई। किसी ज़माने में भाजपा की फायर ब्रांड कही जाने वाली साध्वी उमा भारती अब मंजी हुई राजनीतिक खिलाड़ी की तरह खेलती नजर आ रही हैं। दिग्विजय सिंह के सहारे एक बार फिर उन्होंने सीएम हाउस तक पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। इस समय जबकि पूरी भाजपा दिग्विजय सिंह के हमलों से घायल है, वहीं उमा भारती दनादन जवाबी हमले दिग्विजय सिंह पर कर रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शुक्रवार को भी एक के बाद एक लगभग 10 ट्वीट उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से किया। वो भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर बरसी। गुरुवार को भी उमा भारती ने लगातार 8 ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सरकार के भ्रष्टाचार की जांच बैठाई गई थी, लेकिन मुझे इसे साबित करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वह उस समय प्रदेश की राजनीति से बेदखल हो गई थी और उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया था। अब मैं भोपाल की हर गली में दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रचार करूँगी क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। अब वह प्रदेश में सक्रिय होंगी और कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जो भोपाल से नामित किए गए हैं, उनके लिए उनके खिलाफ उमा भारती गली गली जा कर के प्रचार करेंगी कि दिग्विजय सिंह भोपाल से चुनाव हार जाएं। उमा भारती में साफ नज़र आती है मुख्यमंत्री की कुर्सी की तड़प। 2003 में दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त देने के बाद उमा भारती भाजपा की सबसे लोकप्रिय नेता बन गई थी और उन्हीं के चलते 2003 में प्रदेश में बीजेपी आई थी, लेकिन हुबली मामले में वारंट जारी होने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी योजना थी कि वो वापस मुख्यमंत्री बनेंगी, परंतु भाजपा नेताओं ने ऐसा जाल बुना कि उमा भारती फंस कर रह गई और बाबूलाल गौर के बाद जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उमा भारती को मध्य प्रदेश से बेदखल करवा दिया। अब एक बार फिर अवसर उनके हाथ में है और वो अवसर चूकने के लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल में शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय चुनाव समिति अर्थात राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी प्रदेश की राजनीति से अलग करना चाह रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव लड़ें और सांसद बन करके केंद्र की राजनीति में दखल दें, अर्थात वह प्रदेश की राजनीति से अलग हो जाएंगे। इस कारण से मुख्यमंत्री की सीट पर बनी हुई उमा भारती जो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, वह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगी। अच्छी बात है, कोई भी हो, चाहे उमा भारती जी हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश के लिए या फिर बीजेपी के लिए दोनों अच्छे नेता हैं। कोई भी बने, जनता का विकास होना चाहिए। अब हम देखेंगे कमलनाथ जी को 14 सीटों जीतने के लिए टारगेट दिया गया है। क्या है पूरी खबर? मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 26 पर भाजपा का कब्जा है। इस बार राहुल गांधी ने कमलनाथ को कम से कम 14 सीटों का टारगेट दिया है कि आपको प्रदेश की 14 सीटों पर जीत हासिल करनी है। इसी के चलते उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया है। फ्री हैंड का मतलब हुआ कि आप अपने मुताबिक किसी भी सीट से कोई भी प्रत्याशी खड़ा कर सकते हैं, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा।
कमलनाथ ने भोपाल से दिग्विजय सिंह को उतारकर रणनीतिक जीत तो हासिल कर ली है, परंतु जबलपुर और इंदौर के लिए उनके पास कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा शहडोल से उनकी प्रत्याशी हिमांद्री सिंह भाजपा में शामिल हो चुकी है। कांग्रेस के पास जीताऊ प्रत्याशियों का टोटा बरकरार है। इस प्रकार से 14 सीट जीतना कांग्रेस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगी और कमलनाथ जी को यह चुनौती स्वीकार है। अब देखते हैं 23 मई 2019 को जिस दिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे उस दिन क्या होता है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हम 14 तो दूर 20 सीट हासिल करेंगे प्रदेश में। अच्छी बात है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सीएम होने के नाते वे पूरे प्रदेश की जनता से वाकिफ हैं और 20 से क्या 20 प्लस सीट भी आए तो उनके लिए बेहतर होगा। मध्य प्रदेश की लगभग 14 सीटें ऐसी हैं जिस पर पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की है। जानते हैं वो कौन कौन सी सीट है। गुना सीट की हम बात करें तो कांग्रेस महासचिव एवं सिंधिया राजघराने के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्ष 2002 से लगातार चौथी बार जीत रहे हैं और वहां जीतेंगे क्योंकि वहां पे उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। छिंदवाड़ा सीट की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्ष 1998 से लगातार 6 बार सांसद बन चुके हैं। ये भी अच्छी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा के लिए बहुत काम करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, इसलिए वहां की जनता उन्हें चाहती है और उनको बार बार जिताती है। हर लोकसभा सीट का उम्मीदवार इसी प्रकार से होना चाहिए, जनता की सेवा करे, जनता के बीच में जाए तो जनता उन्हें बार बार जिताएगी। कमलनाथ इस सीट से अब तक कुल 10 बार सांसद रह चुके हैं। जिन 14 लोकसभा सीटों को पिछले 1.5 दशक से कांग्रेस जीत नहीं पाई है वो सीट हैं भोपाल, इंदौर, विदिशा, मुरैना, भिंड, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, जबलपुर, बालाघाट, बैतूल एवं रीवा। ये ऐसी 14 सीट हैं जहाँ से कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से जीत नहीं पाई है। अब इस बार देखना है, कांग्रेस इन सीटों पर भरपूर कोशिश करेगी और ये 14 की 14 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होंगे वो किन जिलों में किस किस दिन होंगे। आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैंने इस वीडियो में यह डेट बताना चाहे आप जान लें। 29 अप्रैल 2019 को शहडोल में चुनाव होगा, सीधी में होगा, मंडला जिले में होगा, बालाघाट में होगा और जबलपुर में होगा और छिंदवाड़ा में होगा, ठीक है। फिर 6 मई 2019 को दमोह में होगा, खजुराहो में होगा, सतना में होगा, रीवा में होगा, होशंगाबाद, बैतूल और टीकमगढ़ में होगा। फिर वहीं पर 12 मई 2019 को गुना में होगा, सागर में, विदिशा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, राजगढ़ और भोपाल, ठीक है। फिर 19 मई 2019 को उज्जैन में देवास, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा और मंदसौर। इस प्रकार से 29 सीट है। 29 सीट पर कब कब चुनाव होगा आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी जगह देखा है और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमारे ज़िले में या हमारी लोकसभा सीट पर कब चुनाव होगा, तो मैंने इस वीडियो में उसकी जानकारी रखी है ताकि आप लोगों को चुनाव दिवस के बारे में जानकारी मिल जाए। अब हम आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में चुनावी मुद्दा बन गई दाल भात की थाली। ये जो थाली दिख रही है आपको बहुत प्यारी लग रही है और सभी को इस प्रकार से खाना नसीब नहीं होता, लेकिन सरकार ने यह थाली को अब बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब दाल भात की थाली चुनाव मुद्दा बन गई है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये में मिलने वाले दाल भात सेंटर के लिए चावल देने से मना कर दिया। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने सभी दाल भात सेंटर को बंद करने का फैसला ले लिया है। केंद्र और राज्य का आपसी टकराव अब लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। वहाँ पर जो यह योजना चल रही थी उसके लिए केंद्र सरकार दाल भात योजना के लिए चावल केंद्र से दे रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यह योजना चालू नहीं की क्योंकि वह ये सोच रही है कि केंद्र ने चावल देना बंद कर दिया, इसलिए वो प्रदेश की जनता को इस योजना से वंचित कर रही, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश अर्थात छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है,
अगर केंद्र ने देना मना भी कर दिया तो छत्तीसगढ़ सरकार को यह योजना चालू रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे केंद्र ने यह योजना के लिए चावल देना बंद क्यों किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर निशाना साधा कि भूपेश ने ट्वीट किया 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते ही छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का बोनस रोक दिया, अब दाल भात सेंटर को खाद्यान्न देने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़िया भोला जरूर होता है पर कमज़ोर नहीं। छत्तीसगढ़ विरोधी मानसिकता वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का प्रदेश की जनता ईंट से ईंट बजा देगी, यह भूपेश बघेल जी का कहना है। लेकिन हकीकत क्या है देखते हैं। सरकार संचालित करती तो बंद नहीं होते सेंटर। छत्तीसगढ़ में 127 दाल भात सेंटर का संचालन किया जा रहा है। यह सभी सेंटर गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवी संगठन की ओर से चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सरकार मतलब प्रदेश सरकार का इस योजना में एक भी हाथ नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ता या फिर गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए केंद्र सरकार ने चावल का आवंटन सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि इन सेंटरों का संचालन सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है जब सामाजिक संगठन या फिर अलग प्रकार के एनजीओ यस योजना को चला रहे हैं तो प्रदेश सरकार का इसमें हाथ नहीं है। तो फिर सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने इस योजना में जो चावल देना था उसको बंद कर दिया क्योंकि प्रदेश के जितने भी एनजीओ हैं वे सक्षम थे, अब केंद्र सरकार ने इस योजना में अपना योगदान देना बंद कर दिया। तो प्रदेश सरकार का काम होता है कि अपने प्रदेश की जनता के लिए योजना को चालू रखे या फिर बंद रखे या दूसरे के ऊपर थोप दे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालक ने एक पत्र जारी करके सभी जिलों के दाल भात सेंटर को अप्रैल से राशन नहीं देने का निर्देश दिया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से शासकीय या शासकीय स्वामित्व वाले सेंटर को ही खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा जिसके कारण रोजाना 50,000 लोगों के निवाले पर संकट बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश दाल भात सेंटर अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास खोले गए। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा के सामने रोजाना 2,000 से 2,500 लोग दाल भात सेंटर में भोजन करते हैं। सरकार की ओर से इन सेंटरों को बंद करने के फरमान का सीधा असर गरीबों के निवाले पर पड़ेगा। स्वाभाविक बात है, सही बात है, असर होगा। लेकिन इस पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों का पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जवाब दिया। डॉक्टर रमन ने कहा कि दाल भात सेंटर गरीबों के लिए शुरू किया गया था, इसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया कि उनका आर्थिक प्रबंधन कमजोर है। केंद्र सरकार ने सिर्फ चावल देने से मना किया है। प्रदेश में जब भाजपा सरकार थी उस समय 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल दिया जा रहा था। ऐसे में क्या राज्य सरकार चावल का इंतजाम नहीं कर सकती, अर्थात 1 रुपये किलो के हिसाब से चावल छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती है और देना भी चाहिए। यह प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बड़े बड़े वादे करती है, प्रदेश आर्थिक अराजकता की स्थिति में फंस गया है। सिर से पैर तक कर्ज में डूबने वाली सरकार की स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगी यह देखने वाली बात होगी। इस प्रकार से प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के ऊपर थोप रही है लेकिन हकीकत कुछ और है क्योंकि जो यह योजना प्रदेश के एनजीओ या फिर दूसरे संगठन चला रहे थे इसलिए केंद्र सरकार ने चावल देना बंद कर दिया। अब प्रदेश सरकार का काम है कि इस योजना को बरकरार रखे और अपने प्रदेश की जनता को दाल भात योजना का लाभ दे। तो इस प्रकार से लगभग 5 मुख्य बातें थी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। यह बात मुझे आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचानी थी जो मैंने पहुंचाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव ग्रेट बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।